नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। मैं लेकर हाजिर हूँ ईवीएस का अगला इम्पोर्टेंट पार्ट। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा के लिहाज से। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो देखिये, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, असम का प्राचीन नाम क्या था। तो भाई यहाँ पर असम का प्राचीन नाम की बात करें तो असम का प्राचीन नाम था कामरूप। ओके, क्या नाम था? कामरूप था। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें भाई, शांत घाटी जो है ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता आपका कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो फूलों की घाटी भाई उत्तराखंड कहाँ चमोली में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता हो गई। नाउ देखिए, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको इस यूट्यूब चैनल पर मनोविज्ञान की, संस्कृत की, हिंदी की, मतलब ऑल सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी। वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख सकते हैं। ठीक है, काफी हेल्पफुल वीडियोस यहां पर हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भाई बृहत्तम का मतलब बड़ी नदी कौन सी। तो देखिए, यहाँ पर गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, वहां पर गोदावरी मैंने बताया था। ठीक है, तो गोदावरी आपको बता दें एक बार फिर से कि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या आता है? भाई कृष्णा आता है। ओके, तो ये फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, भाई भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे अभी तक 29 थे, लेकिन अब रिसेंटली बात कर ली जाए तो भाई 28 हो गए हैं। ओके, नाउ आगे, निम्न में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम उत्पाद को, काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो देखिए भाई, यहाँ पर कलपक्कम है, तारापुर है, नरौरा। नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। पोखरण जो है कि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। सरदार सरोवर बांध बना है भाई तो कहाँ बना है, अर्थात किस नदी पर बना है? तो ये सरदार सरोवर बांध भाई नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और आपको बता दें, यहाँ सरदार की जिक्र आया है, सरकार सरदार का, तो भाई आपको बता दें सरदार पटेल को एक उपाधि दी गई थी, मतलब इनका वल्लभ भाई पटेल नाम था, तो इनको सरदार जो है ये उपाधि दी गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार जीएस के तहत या ईवीएस के तहत पूछा गया है, किसने दिया था? तो ये दिया था बारदोली की महिलाओं ने। किसने दिया था भाई? बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। ठीक है, इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, तो यहां से सरदार इनके नाम में जुड़ गया। निम्न में से कोकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? कोकणी, तो भाई कोकणी जो है ये भाषा जो है मुख्य रूप से कहां की है भाई? ये आपकी भाषा है गोवा की, ये भाषा है। ठीक है, आगे, देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो भाई आप लोगों को पता होगा, बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है, 4096 यानी कि 4096 किलोमीटर पॉइंट में है, सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ है। और उसके बाद आप लोग जानते होंगे अफगानिस्तान की सीमा रेखा सबसे कम है, और कितनी है भाई? अफगानिस्तान की सीमा रेखा भारत के साथ सबसे कम ओनली 106 किलोमीटर। तो देखिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, तो सबसे बड़ी सीमा रेखा भारत की किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, 4000 प्लस है, और सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है, कितनी है? 106 किलोमीटर है। ओके, नाउ अगला है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो ये है बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाई ये मैंने कई बार एक ट्रिकी वीडियो मैंने बताया था, बहुत गजब का मैंने बनाया था ईवीएस पर रिलेटेड। ठीक है, भाग खड़े हुए सतलज पर सब रिलेट करके मैंने बताया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, आपके जहन में बस जाएगा, भूलने के कोई चांस नहीं होते। तो देखिए भाई, भाग खड़े हुए सतलज पर यानी भाखड़ा नागल बांध बना है सतलज नदी पर। अब यकीन मानिए, आप भी कभी नहीं भूलेंगे, जब कभी पूछा जाएगा भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना, तो आप क्या बोलेंगे? भाग खड़े हुए सतलज पर यानी भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। ओके, अगला है, राजस्थान के किस जिले में
टंगस्टन का उत्पादन होता है। भाई टंगस्टन का उत्पादन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें यहाँ पर नागौर, ठीक है, नागौर ऐसा जिला है जहाँ पे टंगस्टन का उत्पादन होता है। और आपको पता होगा भाई कि 2 अक्टूबर, कब 2 अक्टूबर, ठीक है, देखिए 1 सेकेंड, 2 अक्टूबर 19, ठीक है, 19 क्या था भाई, 59 है ना, पहली बार यहां पर क्या भाई पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ओके नाउ अगला है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, तो भाई कहां पर किया गया था, ये आपका प्रश्न है। पहला परीक्षण भारत में किया गया था भाई पोखरण में किया गया था, कहां किया गया था, पोखरण में किया गया था। भारत की किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है, ठीक है, तो याक पशु आप लोग जानते हैं, इसके शरीर पर गद्दीदार बाल होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो ये आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है याक। ओके अगला है, निम्न में से कौन दलहन फसल नहीं है, दलहन फसल, तो देखिए भाई दलहन फसल की बात यहाँ पर की जा रही है, कौन सी फसल नहीं है, तो आप जानते हैं चने की भी दाल बनती है, मूंग की भी दाल होती है, अरहर की भी दाल बनती है, मखाना की दाल नहीं बनती, तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है, तो भाई कौन सा है इसका दूसरा उच्चतम शिखर पूछा गया है, किसका अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर, तो यहाँ पर आपको बता दें शेर है, क्या है, शेर, ठीक, वो लाइन वाला नहीं है। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो देखिए यहां पर आपको बता दें भी भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन अगर यहां पर देखा जाए तो आपको पता होगा कि भारत कहीं नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हो गया है गोरखपुर, ठीक है, और ये गोरखपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश, भाई ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है गोरखपुर, तब आप जानते हैं कि गोरखपुर से पहले भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन खड़गपुर था जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये ऑप्शन ना होने के वजह से यहाँ पर खड़गपुर सही हो जाएगा। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, भाई सबसे शुष्क क्षेत्र की यहां पर बात की जा रही है भारत का, तो आपको बता दें यहां पर सबसे शुष्क क्षेत्र है पश्चिम का, ठीक है, पश्चिम का एरिया सबसे शुष्क है। अगला है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, देखिए ये प्रश्न आ गया है और मैंने इस पे गजब की ट्रिक बताई थी भाई आप लोगों को, जिन लोगों ने देखा होगा उनको जरूर याद होगा, ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था वन्य जीव टाइगर जल प्रदूषण करता है, वन संरक्षण में रहता है, ऐसे था ना, तो यहाँ पर देखिए भाई, तो यहाँ पर आपको ट्रिक याद होगी तो आप कभी नहीं भूलेंगे, यहाँ पर 1972, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है, अर्थात किसका अंतर होता है मानचित्र और स्केच में, तो जो इसमें मुख्य अंतर होता है वो भाई होता है किसका, पैमाने का अंतर होता है, किसका होता है, पैमाने का अंतर होता है। बिहार का शोक निम्न में से किसे कहा जाता है, आप सभी परिचित हैं इसमें कोई मतलब, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, और दामोदर नदी को आप लोग जानते होंगे बंगाल का शोक कहा जाता है, ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए फेमस है, ठीक है, प्रतिवर्ष अपना रास्ता चेंज कर लेती है। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, भाई पूछा जा रहा है कहाँ पे, बिहार में तो जो केला के लिए फेमस है वो है भाई आपका, तो यहाँ पर हाजीपुर जो है कि केले के लिए काफ़ी फेमस है बिहार में। और हम बात करें भाई यहाँ पर केले के मामले में, तो भुसावल आपने सुना होगा, ठीक है, मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में भुसावल का केला काफ़ी अच्छा होता है, ये भी केला के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र है। निम्न में से किस ग्रह को है ना पृथ्वी की बहन कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल मतलब बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग जानते होंगे शुक्र को पृथ्वी की बहन भगनी ग्रह भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, और शुक्र पे भाई जानते हैं कि आप ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, इसे गॉडेस ऑफ मतलब देवी, ठीक है, गॉडेस ऑफ लव कहा जाता है ना, प्यार व सुंदरता की देवी के नाम से किसे जाना जाता है, शुक्र ग्रह को जाना जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। मंगल जो है लाल ग्रह कहलाता है, क्यों, क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, और बुध जो है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए इसे जो है कि मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। अगला है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है, तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन की यहाँ पर बात करें अगर हम लोग,
तो आप लोग जानते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण एरिया में भाई लकड़ी जो है, ठीक है, लकड़ी जो है कि ऊर्जा का प्रमुख साधन है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हैं पारंपरिक और गैर पारंपरिक भी पूछा जाता है। तो पारंपरिक का मतलब ये होता है जो ऊर्जा समाप्त होने योग्य है उसे पारंपरिक ऊर्जा कहा जाता है, गैर पारंपरिक उसे कहते हैं जो समाप्त होने योग्य ना हो, ठीक है, नवीकरणीय हो यानी वो नया बनता रहे। तो देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम भाई ये समाप्त हो सकता है, कोयला भी समाप्त हो सकता है, विद्युत भी समाप्त हो सकती है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल सिंपल है भाई, नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, तो यहाँ पर खादर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नौ, भारत का थार मरुस्थल किस देश के कुल क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो भाई आप जानते होंगे भारत का जो थार मरुस्थल है, ठीक है, तो देश के कुल कितने क्षेत्र है ना, क्षेत्र पूछा गया है ना, तो ये 12.13% क्षेत्र पर फैला हुआ है। भारत में किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है, तो बिल्कुल सिंपल है भाई, इसकी बात कर ले तो राजस्थान में सर्वाधिक है। रबड़ किस जलवायु का पौधा है ऐसा पूछा गया है, तो भाई रबड़ जो है कि भूमध्य रेखीय जलवायु पौधा है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर ये चंबल नदी हो जाएगा, ठीक है, कौन कौन से, राणा सॉरी जवाहर सागर, प्रताप सागर और गांधी सागर, तो ये सभी चंबल नदी से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये रहा EVS का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये अगला वीडियो था आपका, और ये वीडियो आपको EVS का कंटिन्यू मिल रहा है, बाकी अन्य सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि अब UPTET के लिए समय आपके पास बहुत कम है, तो आपको तैयारी की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।